वेल हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेड ब्लड म्यूजिक प्रोडक्शन। और यार देखो, मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बजट माइक्स के बारे में बताया था, और ये वीडियो होने वाली है मेरी बजट हेडफोन्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो आएगी हायर रेंज के माइक्रोफोन्स के बारे में, और उससे नेक्स्ट आएगी हायर रेंज के हेडफोन्स के बारे में। और हाँ यार, मुझे ये भी बताना कि तुम्हें स्टूडियो मॉनिटर्स के ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो मैंने कुछ अपनी तरफ से अपने पर्सनल चॉइस के हेडफोन्स आपके लिए सिलेक्ट करके रखे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ लाइन बाय लाइन, और कम से शुरू करेंगे हम और ज़्यादा तक जाएंगे। करीबन 4,000 तक हमारा बजट होगा, 1,000 रुपये से लेके, ठीक है ना। तो सबसे पहला हेडफोन है सेनहाइजर का HD206, और बाकी के नंबर तुम पढ़ लेना इसके। तो बेसिकली ये मैं पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ, बहुत बढ़िया हेडफोन है। हल्का सा थोड़ा सा बेस कम है इनमें, बट हेडफोन काफ़ी अच्छा है। बेसिकली हेडफोन्स में क्या होता है, स्टूडियो हेडफोन्स में मैं आपको बताऊं तो इनमें ओम्स की बात होती है कि जिसके जितने ज़्यादा ओम्स है उसको उतनी ज़्यादा पावर आउटपुट चाहिए। तो मान लो अगर आप उसको 110 ओम्स का पावर इनपुट चाहिए तो वो आपके नॉर्मल पीसी में नहीं लगेगा। अब जैसे कि आप ऑन द गो कहीं पे जा रहे हैं अपना लैपटॉप लेके, अगर आप वहाँ पे अगर मिक्सिंग करना चाहते हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग, तो हेडफोन्स ऐसे होते हैं जिनके ज़्यादा ओम्स होते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे बिना इंटरफेस के। उनको इंटरफेस की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंटरफेस ही उनको उतनी इनपुट पावर दे पाएगा। बेसिकली इसका ओम वोल्टेज यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। अगर आपको ओम वोल्टेज जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसका नाम कॉपी करो और गूगल पर सिंपली डाल दो, और सेनहाइजर की वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पर आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखो इसकी ओरिजिनल प्राइस जो वो 1500 रुपये है, मतलब 1490, और यहाँ पर देखो 1200 में मिल रहा, काफ़ी अच्छी डील है, लिमिटेड टाइम डील है, कभी भी बढ़ सकता है प्राइस इसका। तो यहाँ पर हम जाएंगे स्पेसिफिकेशंस में, और यहाँ पर इसका ओम लिखा हुआ 24, मतलब आप इसे अपने नॉर्मल पीसी या लैपटॉप में लगा के चला सकते हो, सेम टू सेम साउंड आउटपुट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से मिक्सिंग मास्टरिंग ऑन द गो आप कर पाओगे। अगर इसका ज़्यादा ओम होता तो आप बिना इंटरफेस के इसे नहीं चला पाते। तो ये सही रहेगा उन लोगों के पास जिनके पास ऑडियो इंटरफेस नहीं है, वो सिर्फ अपने लैपटॉप में लगा कर ही मिक्सिंग करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट रहेगा। और प्राइस भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है यार, बहुत कॉमन प्राइस है, इससे कम में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और ये पर्सनल चॉइस है, मैं यूज़ कर चुका हूँ काफ़ी, तो बहुत बढ़िया हेडफोन है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ले लेना। अगर और कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर आके बात करो, @redbloodproduction पर, तो वहाँ पर हम इसके बारे में और डिस्कस कर सकते हैं। और नेक्स्ट हेडफोन्स है सिर्फ डीजेज के लिए भाई, जो बंदे डीजेइंग करते हैं सिर्फ उनके लिए, और लिमिटेड टाइम की डील है ये, ठीक है ना। ये कभी भी इसका प्राइस बढ़ सकता है, 7% क्लेम्ड हो चुके हैं अमेज़ोन पे, तो जिसको भी लेना जल्दी से जाके ले सकते हो तुम। तो बेसिकली मैं इन्हें म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए रेकमेंड नहीं करता हूँ, ये सिर्फ मैं कहता हूँ कि डीजे वाले लोगों के लिए ठीक हैं जो डीजेइंग करते हैं। तो बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, मैं इसके बारे में नहीं करूँ क्योंकि मैं डीजेइंग नहीं करता हूँ। तो बेसिकली जो डीजेइंग वाले लोग हैं उनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे देखना पड़ेगा, पर मुझे ये बेस्ट लगा, मेरे एक फ्रेंड के पास है तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा AKG का, क्योंकि देखिए AKG यार काफ़ी बड़ा ब्रांड है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हेडफोन्स देता है, और काफ़ी हाई क्वालिटी के हेडफोन्स होते हैं, और ये भी सिर्फ लिमिटेड टाइम ही डील है, क्योंकि आगे चल के इसका प्राइस बढ़ेगा, तो आप अभी ले सकते हैं इसको, क्योंकि अगर आगे प्राइस बढ़ गया तो आपको नुकसान हो सकता है। अभी 2500 का मिल रहा है, आगे चल के 3,000-3,500 तक का आपको मिलेगा, और फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी है 2000 हर्ट्ज। बेसिकली जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज हो हेडफोन उतना ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा। बेसिकली ये 32 ओम्स पर ऑपरेट करता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ये अच्छी साउंड क्वालिटी देगा अगर आप इसे ऑडियो इंटरफेस में लगाओगे, पर बेसिकली ये लैपटॉप या कंप्यूटर में भी चल जाएगा, पर डिपेंड करता है कि आपके लैपटॉप का पावर सोर्स कितना है। हाँ, अगर आप अपने सिस्टम में लगाते हो, डेस्कटॉप सिस्टम में, तो उसमें ये सेम टू सेम साउंड करेगा। लैपटॉप का मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने लैपटॉप में यूज़ नहीं किया है, पर बेसिकली ऑडियो इंटरफेस में और आपके जो सिस्टम में, क्योंकि देखो यार जो सिस्टम होता है ना हमारा डेस्कटॉप सिस्टम, उसका पावर सोर्स हमारे लैपटॉप से ज़्यादा होता है। तो बेसिकली इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर इसे सिस्टम में यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, और अगर आप इसे ऑडियो इंटरफेस में यूज़ करो तो भाई मज़ा आ जाएगा। और भाई नेक्स्ट हमारा है ऑडियो टेक्निका ATH M20X। ये भाई बहुत बढ़िया हेडफोन है, थोड़ा सा हाई प्राइस के साथ आता है, कोई लिमिटेड टाइम डील नहीं है, अभी ये प्राइस है, आगे भी यही रहेगा, जब चाहो तब ले सकते हो। ये 4200 रुपये का है। मुझे इसकी क्वालिटी के हिसाब से इसका प्राइस ज़्यादा नहीं लगता। और इसके ओम्स की बात करें हम, क्योंकि यार ओम्स मैटर करते हैं कि आपके सिस्टम में चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी ही,
और स्पेसिफिकेशन में हम जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं, देखो 47 ओम्स। तो यार इसमें ज़्यादा रेकमेंड करूँगा मैं तुम्हें ऑडियो इंटरफेस। देखो लैपटॉप में तो साउंड आएगा ही नहीं, भूल जाओ कि लैपटॉप में साउंड आएगा तुम्हें इसका, मतलब साउंड आएगा पर वो चीज़ नहीं मिलेगी तुम्हें जो तुम्हें चाहिए। तुम मिक्सिंग नहीं कर पाओगे, गाने सुन सकते हो बस, ठीक है ना, मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए ऑडियो इंटरफेस ही चाहिए होगा। सिस्टम में मैं कह सकता हूँ 1%, बट उसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है ना। जिस चीज़ में मैं श्योर नहीं होता मैं उसको रेकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो इसको सिर्फ ऑडियो इंटरफेस में ही यूज़ करना। अगर इतने पैसे लगा रहे हो तो मुझे लगता है आपके पास ऑडियो इंटरफेस होगा, अगर आप इतने पैसे खर्चोगे तो। अगर बजट नहीं है तो मुझे लगता है आपके पास ऑडियो इंटरफेस भी नहीं होगा, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। तो अभी लास्ट में मेरी चॉइस क्या है आपके लिए मैं बताता हूँ। देखो ये मेरी मेरी ना ये चॉइस है ना ये चॉइस है, क्योंकि ये डीजेइंग के लिए, डीजेइंग वाले लोग अपना देख लेना इसमें क्या तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। और देखो मेरी सिर्फ ये दो चॉइस हैं। ये क्यों, ये सुपर लो बजट वाले लोगों के लिए है, और जो जिनके पास इंटरफेस नहीं है या फिर है, इंटरफेस में भी अच्छा साउंड करेगा और बिना इंटरफेस के भी अच्छा साउंड करेगा। तो आप दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अगर बजट नहीं है तो ये चूज़ कर लो, इससे कम बजट में कुछ भी नहीं मिलेगा भाई तुम्हें, ठीक है ना। अगर बजट है तो इसकी तरफ चले जाओ, बहुत सही हो, काफ़ी टाइम तक तुम्हारा साथ निभाएगा और बहुत अच्छा साउंड आएगा। और हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए एक चॉइस और है, तुम ये ले सकते हो। बेसिकली तुम्हें पूरा, अगर पूरा बंडल लेना तो बंडल ले सकते हो, क्योंकि ये थर्ड जेन है। बेसिकली थर्ड जेन जो अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली, वो महंगा है यार थोड़ा सा, ठीक है ना। माइक की क्वालिटी मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि इनकी माइक की क्वालिटी मुझे पसंद नहीं है, तो माइक की मैं कुछ नहीं कह सकता। ऑडियो इंटरफेस भाई गदर, कातिलाना क्वालिटी है ऑडियो इंटरफेस की। और भाई इनके हेडफोन्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ये और ये दोनों में बिल्कुल फ़र्क नहीं है, दोनों की फ्रिक्वेंसी रेंज सेम है, दोनों बहुत अच्छा साउंड करते हैं। बस इनके आप ओम्स देख लेना किसी कितने ओम्स हैं, अगर ज़्यादा ओम्स है तो ज़्यादा पावर को एक्सेप्ट कर पाएगा। बेसिकली ओम्स इसलिए इन्वेंट किए गए थे क्योंकि जो बड़े इक्विपमेंट होते हैं, महंगे इक्विपमेंट होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें पावर इनपुट ज़्यादा होता है, तो हमारे नॉर्मल जो हेडफोन्स हैं वो उनको सहन नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि जो ऐसे उसने उनके लिए स्पेशली ऐसे हेडफोन्स बनाए गए जो उनके पावर आउटपुट को सहन कर पाए। अगर आपके पास बंडल है तो उनके कंपैटिबिलिटी चेक करके बनाए गए हैं हेडफोन्स, तो इसके साथ काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बैठेगा। और आप चाहो तो सेकेंड जेन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बहुत अच्छा साउंड करेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों की साउंड क्वालिटी सेम ही है, कोई ऐसा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस लुक चेंज कर दिया इन लोगों ने। ये ज़्यादा मॉडर्न लुक के साथ आता है और ऑडियो इंटरफेस के साथ भी ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करी है, बस लुक के पैसे ले रहे हैं हमसे। मर्जी है आपकी, आप क्या लेना चाहेंगे। तो मैंने आपको बता दिया बजट सेगमेंट के हेडफोन्स। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी माइक्स के ऊपर, फिर उसके बाद मैं एक्सपेंसिव हेडफोन्स के बारे में भी बात करूँगा जिनका बजट ज़्यादा है। और यार मॉनिटर्स के बारे में भी ज़रूर बताना कमेंट्स में कि तुम्हें मॉनिटर्स, अगर तुम्हें मॉनिटर्स लेने हैं तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूँ कि कौन से मॉनिटर्स बिगनर्स के लिए ठीक रहेंगे और जो प्रो हैं जो उनके लिए कौन से ठीक रहेंगे। और यार अभी तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोस बना पाऊँ तुम्हारे लिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों, ओवर एंड आउट।